शहर के पांचपावली परिसर में रहने वाली एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। आरोपी 22 वर्षीय संजय नागदेवी ने लड़की को बहला फुसलाकर पहले तो उसके साथ शादी का झूठा नाटक किया, उसके बाद समय समय पर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। फिलहाल आरोपी को पांचपावली पुलिस से हिरासत में लेकर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नागपुर शहर में आए दिन जबरदस्ती और रेप की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। खास करके नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह के मामले अब आए दिन सामने आ रही हैं। गुरुवार की रात भी एक ऐसा ही मामला पांचपावली थाने में दर्ज किया गया, जहां एक 22 वर्षीय युवक ने 13 वर्षीय लड़की को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी गाड़ी में बहला फुसलाकर ताजबाग परिसर ले गया और वहां उसके गले में मंगलसूत्र डालकर कहने लगा कि अब हमारी शादी हो गई, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर लड़की को अपने झांसे में लेकर उसने समय समय पर लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की। कल दिनांक रोजी लालगंज फिर्यादी यांनी पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिली की त्यांची 13 वर्षाची अल्पवयीन मुलगी हिच्यासोबत याचा आरोपी जितेश संजय नामदेव वय 22 वर्ष आहे याने अल्पवयीन मुलीला ताजबाग येथे फिरण्याकरता घेऊन गेला। तिथं त्याने मंगळसूत्र वगैरे तिच्या गळ्यामध्ये घालून आपलं लग्न झालं असं भासवून ते दिनांक 14/6 आणि 30/6 रोजी त्याने आपल्या घरातील स्लॅपवर गच्चीवर जाऊन तिच्याबरोबर अतिप्रसंग केला असं त्यांचे म्हणणे होते। त्यावरून आम्ही पोलीस स्टेशन येथे 376 आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आली आणि पुढील तपास सुरू आहे। यूं तो देश में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों पर होने वाले अपराधों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन नागपुर शहर में एक महीने में रेप की कम से कम 5 से 6 वारदातें सामने आई हैं, जो कि चौंकाने वाली है। अगर ऐसा ही सिलसिला आगे भी जारी रहता है तो नागपुर में बच्चियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगेगी, जो वाकई में एक गंभीर विषय है। NBC न्यूज में कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।